जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए गया, जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी? शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी? मैंने पूछा वहां पे, मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे? सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार दो बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे। उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए। दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है, जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर जी। मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन, ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी, आज रैली है ना भाई, टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में अस्पष्ट प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है, ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, तो देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा, सम्मान है। देखिए आप, हम लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं आप, कर सकते। आपने जो बात कही मैं उसका बात कर, ये फोटो देखिए आपका एमपी ना हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका एमपी ना हो वो मगरी न हो साथ में, तो जो कहिए सो कहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ही समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है पूर्व मुख्यमंत्री, और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए हैं उसने, आप जाके देखिए उस चीज को। आपका सम्मान हम लोग करते हैं, तो सम्मान को हम लोग को बरकरार रखने दीजिए। आप महोदय, ये होल्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर, और उस सम्मेलन में
और पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुठलाना चाहते हैं, हम सच को भी यानी धूल झोंकना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन को आपने एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक अमानवीय आंदोलन बना दिया, और महोदय इसीलिए लोग इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वैसे चर्चा नहीं करते। सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं इन लोगों में, कोई इन लोगों में न सच को स्वीकार करने की क्षमता है और न आदत ही है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदेश को चलाने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक वहीं बैठो। इंतजार करिए 2022 के बाद, जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना। उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी, एक टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। तो 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ODOP की जो योजना देश की आज लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से प्रदेश के अंदर लागू किया था। आज उसके बेहतर परिणाम आए हैं, प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, परंपरागत उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया है, एक नई संभावना रोजगार की और विकास की प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से देखने को मिली है। 19-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था, और 20-21 का युवाओं की शिक्षा, उनके कौशल विकास, रोजगार, मूलभूत आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्य थे उनको एक नई गति देने के लिए इसको समर्पित किया था। तो 21-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित है, और इस बजट को इसी रूप में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने लिया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त को, और वित्त विभाग की पूरी टीम को, वित्त के हमारे राज्य मंत्री और पूरी टीम को, विभिन्न विभागों ने जो समय पर सभी मंत्रियों ने समय से अपने विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल करवाया है, इसके लिए इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक थीम के साथ बजट आगे बढ़ा। आज से 4 साल पहले प्रदेश कहां था? आज से 4 साल पहले देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन 4-5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। महोदय बीमारू राज्य था 4 साल पहले, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारू राज्य इसलिए था, इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट कितना था? 2 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी उस समय थी, और बजट कितने का था? 2 लाख करोड़ का। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी इतने बड़े प्रदेश के लिए हमें गांव के विकास के लिए, नगरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अलग अलग तबके के लिए भी योजनाएं बनानी, लेकिन जब बजट ही नहीं होगा, इनकम बढ़ाने पे जोर नहीं दिया, और जोर इसलिए भी नहीं दिया जाता था, अगर हम उसमें आना प्रारंभ करेंगे कि इनकम कहां कहां से बढ़ी है और कैसे कैसे बढ़ी है, मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगे। लेकिन ये तो सच है ना
कि 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था ना। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी बाहरी निवेश आपके यहां नहीं आ सकता, नहीं आएगा। और आज कहां है, दूसरे नंबर पर। शासन के कुछ चेहरे, शासन के चेहरे बदले हैं, तंत्र वही है, सब कुछ वही है, सोर्स ऑफ इनकम भी वही है, हमने कार्य पद्धति बदली है। एक विश्वास मुझे 15-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, देश की पांचवीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है, पांचवीं छठी नंबर पे था, आबादी में नंबर एक, 20 से 22 करोड़ की आबादी उस समय थी। अर्थव्यवस्था देश की पांचवीं अर्थव्यवस्था, कोई भी आता था हमारे यहां, विदेशी राजदूत आते थे, कोई राष्ट्र प्रमुख आता था, हमारी उनसे बातचीत होती थी, या कोई निवेशक आता था तो हम लोग उनसे किस बारे में चर्चा करते, हम कहते थे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। उनकी अगली पंक्ति सुनने की उत्सुकता क्या होती थी, वो ये मानते थे कि हो सकता है सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगी, लेकिन हम कहते नहीं, हम पांचवें छठे नंबर पर हैं, तो वो थोड़ा बैक होता था। क्या थी प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी थी, 10,90,000 के लाख करोड़ रुपए की थी, 10.90 लाख करोड़ की प्रदेश की कुल जीडीपी थी। और महोदय, 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है, हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं, 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद, जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी, पहली इकोनॉमी बनेगी, टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। अब सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आय सुन लीजिए, आप लोगों ने क्या बना दिया था यूपी को, यहां पलायन हो रहा था, लोग भाग रहे थे, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग चिंतित थे। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि, और सभी को ये लगता, यूपी के बारे में जो एक परसेप्शन बन चुका था, लोग कहते थे क्या होगा, मैं कहता निश्चिंत रहिए, यूपी चेंज हो चुका है, ये नए भारत का नया यूपी है, अब घबराइए मत, यूपी में हम लोग अच्छा करेंगे। मैंने कोरोना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए थे ना, वो आंकड़े मेरे नहीं थे, वे भारत सरकार के आंकड़े थे, दुनिया के विशेषज्ञों के आंकड़े थे, अपने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहा हूं भारत सरकार के हैं और देश के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं। महोदय, प्रति व्यक्ति आय 15-16 में कितनी थी, 43,000 उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज लगभग 95,000 है, 4 वर्ष, ये चेंज, ये परिवर्तन है, ये है परिवर्तन। क्या कुछ हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूं ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के डाटा हैं, और ये आंकड़े प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर करने का जो कार्य हुआ है, हर एक फील्ड में जो कार्य हुआ है उसके परिणाम ही। महोदय, ईज ऑफ लिविंग में कितना परिवर्तन हुआ, कहां हम ले जाना चाहते हैं देश को,
1947 से लेकर के 2014 तक अगर अटल जी के 6 वर्ष के उस कालखंड को छोड़ दें तो ईज ऑफ लिविंग के बारे में पिछली सरकारों ने देश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा था। और मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? आज तो बजट में ईज ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है 2022 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एसईसीसी की सर्वे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 2012 में आया है 2022 तक हर हाल में उसको छत, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराएंगे, एक आवास उपलब्ध कराएंगे। आवास 4 वर्ष में 40 लाख लोगों को आवास मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। 4 वर्ष में 1,38,00,000 लोगों को विद्युत के निशुल्क कनेक्शन मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। हर गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो जाए। अब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे हम भी करना चाहते थे लेकिन किए क्या, किए तो नहीं ना, करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक वहीं बैठो,